गाइस मेरे हाथ में आप ये जो एटीएम कार्ड देख रहे हो, ये दोनों ही एटीएम कार्ड पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के हैं। अब इन दोनों एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्रीन पिन की आवश्यकता होती है, जो आपका 6 अंकों का ओटीपी होता है। अब बहुत सारे दोस्तों को ये 6 अंकों का ओटीपी नहीं मिलता, जिसकी मदद से उनका एटीएम पिन जनरेट नहीं हो पाता। कई दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का नया एटीएम कार्ड आया है, ये हम अपनी ब्रांच से लेके आए हैं, लेकिन इसका एटीएम पिन जनरेट करना चाहते हैं। आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के किसी भी एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको एक ग्रीन पिन की आवश्यकता होती है, जो आपका 6 अंकों का ओटीपी होता है। उस ग्रीन पिन के लिए आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से आप खुद से अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन पिन के लिए। अब ये ग्रीन पिन अगर आपको रिसीव हो जाता है तो आप इस ग्रीन पिन की मदद से एटीएम मशीन से भी एटीएम पिन बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के नए एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए 6 अंकों का ओटीपी रिसीव करेंगे और कैसे अप्लाई करना है अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के अंदर आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेटअप करने का ऑप्शन आ रखा है। अगर आपके एटीएम कार्ड का पिन जनरेट नहीं होता तो आप आधार कार्ड की मदद से भी फ़ोन पे वगैरह चला सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी 6 डिजिट का ओटीपी जो ग्रीन पिन बोलते हैं, उसको रिसीव करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के मैसेज बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पर आपके अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर से आपको एसएमएस लिखना है। एसएमएस लिखने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज भी होना चाहिए, या तो अनलिमिटेड का रिचार्ज होना चाहिए या फिर आपके फ़ोन में पैसा होना चाहिए जिससे मैसेज जा सके। अब आप क्या करिएगा, मैसेज बॉक्स में आ गए तो यहाँ पर स्टार्ट चैट का ऑप्शन मिलता है, इसमें चले जाइए। अब आपको ऊपर एक नंबर लगाना है, सिर्फ छोटा सा नंबर है, यहाँ पर वो लगा लो 56070 40, ये नंबर आपको लगा देना। नंबर लगाने के बाद अब आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बड़े कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आप लिखना है, DCPIN इतना लिख देना, उसके बाद स्पेस दे देना। और अब आपको अपने एटीएम कार्ड के 16 डिजिट लगाने हैं, यानी जो आपके एटीएम कार्ड पर पीछे की साइड में लिखे रहते हैं नंबर, यही नंबर आपको लगाने होते हैं और इसको सेंड करना होता है अपने उस सिम से जो आपका सिम आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। जैसे हमने यहाँ पर अपने कार्ड के नंबर यहाँ पर लगा लिए हैं, अब यहाँ से हम इसको सेंड कर देते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 2 सिम रहेगा तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन से सिम से यहाँ पर मैसेज भेजना चाहते हैं। यानी अभी हमारा मैसेज सही से नहीं गया, एक बार फिर से भेज कर देख लेते हैं। अगर फिर से यही दिक्कत कर रहा है, बहुत सारे दोस्तों का यही दिक्कत करता है, तो अगेन बैक आ जाएंगे, स्टार्ट चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दूसरा नंबर लगाना है, 92640, ये नंबर आपको यहाँ पर लगा देना। ये नंबर लगाने के बाद अब यहाँ पर आपने जो वहाँ पर डाल रहे थे DCPIN और कार्ड के नंबर, यही नंबर आपको यहाँ पर भी लगाने हैं। यहाँ पर लगाने के बाद इसको सेंड करके देख लेना। यहाँ पर देखो ये सेंड हो चुका सक्सेसफुल तरीके से। यानी ये दो नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, एक तो 56070 40 और दूसरा 92640 92640, दोनों नंबर से आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 92640 से भेजा तो हमारा रिप्लाई आ चुका सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आता है आपके सामने थैंक यू फॉर डेबिट कार्ड पिन रिक्वेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जैसे ऊपर चलते हैं तो ये देखो जस्ट नाउ अभी अभी आया है, तो यहाँ पर देखो ये 32 44 12 इज ओटीपी फॉर सेटिंग द न्यू डेबिट कार्ड पिन। यानी आपके एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको ये ओटीपी मिल चुका, 6 अंकों का ओटीपी, और यहाँ पर नीचे दिखा रहा ये आपका ओटीपी जो है ये आपका 72 घंटे तक मान्यता है। आप 72 घंटे के अंदर अंदर आप एटीएम मशीन से इसका एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड का, या फिर ऑनलाइन PNB One ऐप की मदद से या इंटरनेट बैंकिंग मदद से
आप इसका एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये ओटीपी आपको मिल चुका, 72 घंटे तक आपको इस ओटीपी को सिक्योरली तरीके से रखना है। और सिक्योरली तरीके से आप कैसे रख पाएंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लेंगे, ये आपकी गैलरी में पड़ा रहेगा और आप इसको याद भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 56070 40 पे ट्राई करके देख लेना, अगेन अगर नहीं जाता है तो आपको दोबारा से आके बैक यहाँ पर 92640 92640 पे आपको मैसेज भेज देना है। तो इस तरीके से आप अपने एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट करने के लिए 6 डिजिट का ओटीपी ग्रीन पिन मंगा सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप जान पाए होंगे कैसे हमें अप्लाई करना होता है ग्रीन पिन के लिए और कैसे ओटीपी रिसीव होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ओटीपी जो रिसीव होता है कभी कभी ये आ जाने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। जैसे आपने अभी अप्लाई किया तो थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 घंटे में आपको ओटीपी रिसीव हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो वैसे में आपके पास कौन सा एटीएम कार्ड रहेगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।